और यहाँ तक पहुँचने की जर्नी इसके साथ ही थोड़ी जुड़ी हुई है। मैं एक बार बताना चाहूँगी सर, सर कॉल आते कि मुंबई में ऑडिशन है, तो सर अभी कुछ ही दिन बाकी थे तो ट्रेन की टिकट बुक करनी है, तो इससे बात हुई कि हाँ ट्रेन की टिकट बुक करनी है, इसने कर दी है सर। सीट नंबर 1 और 2 था हमारा, तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई फैमिली पहले से ही बैठी हुई थी, तो हम जैसे पंजाबी सर, हम पंजाबी हैं तो पंजाबी बोलते हैं घर पे, तो मैंने देखा कि हमारी सीट पे ऑलरेडी कोई ना कोई बैठा हुआ है, तो वो मन में आता है ये तो साड़ी सीट है, उठो इतो दी फीलिंग आई। तो ना हमने उनको बोला कि हमारी सीट है, तो वो फैमिली वहीं पे फिर भी बैठी रहती है, तो वो कहते हैं 1 और 2 तो हमारी भी सीट थी। मैंने कहा नहीं नहीं जी, 1 और 2 तो हमारी सीट है। तो सर मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, ये तो देख टिकट का ऐसे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। सर ये मुझे दोबारा कॉल करता है, सर उसने अगले महीने की टिकट कर दी थी सर। सर अब फोन में मैं सबके सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी, मैंने कहा बाद में बात करूंगी। तो आज कौन सी तारीख है आपको पता है भाई साहब? दूसरे आज की हाँ। All right, शिवम, कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। ओके सर, आपको बात बताना चाहूंगी सर। हाँ जी। सर कभी हमने एरोप्लेन में सफर ही नहीं किया था कभी, तो केबीसी की वजह से हम बाय एयर यहाँ पर आए, तो मतलब हमारे लिए तो बड़ी बात थी, हमें पता ही नहीं था कि एयरपोर्ट में आना कैसे है। सर वीडियोस देख देख कर हम आए कि अरे जाना कैसे है, कैसे क्या करना है, कुछ नहीं पता था सर। तो वो जब अब एरोप्लेन जब चलता है, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था, और ये सब केबीसी की वजह से हुआ है सर। ओके ओके, बहुत से कंटेस्टेंट्स जो आए हैं यहाँ पर, वो भी यही कहते हैं कि पहली बार वो हवाई जहाज में चढ़ कर आए हैं। सर एक तो एरोप्लेन की बात हो गई, और एक सर होटल में भी हम पहली बार ही रहे, तो मुझे नहीं पता था सर की कहाँ रखी जाती है, तो अब हमें था कि बाहर हम चलते हैं थोड़ा सा मुंबई देख लेते हैं थोड़ा सा, तो अब हमें की चाहिए थी, तो सर की वहाँ लगी होती है जहाँ पर बटन्स होते हैं वो स्विच बोर्ड में उधर, तो मुझे नहीं पता था वो वहाँ, मैं वहाँ की ढूंढ रही थी कि कहाँ रख के गए हैं, तो मेरे को वहाँ नजर पड़ी, मैंने कहा अरे पागल कहाँ लगा रखी है की हमें दे के जानी थी। सर मैंने ऐसे निकाला, सारी लाइट्स बंद हो गई। तो ये भी एक मतलब केबीसी ने सब कुछ सिखा दिया सर, यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हर चीज़ का। लेकिन ये कार्ड वाली जो की होती है ना, ये सबके लिए बड़ी दुविधा है जी, और जो आपके सामने बैठे उनके लिए भी ऐसे ही दुविधा होती है, हमको भी पता नहीं रहता कि कहाँ रखें, और बिजली अचानक चली जाएगी, फिर वो आएगा क्या सर ये कार्ड डालना है इसमें, कार्ड डालेंगे तो बिजली ऑन हो जाती है जी, तो हाँ थोड़ी से कष्ट होता है इसका, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप सीख गई है केबीसी के सौजन्य से। आपको देखिए, एक तो हवाई जहाज में जा पाई, होटल में रह पाई जी सर, सब बहुत सबसे अच्छी बड़ी बात तो सर आपके सामने बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, वो बात नहीं है, सपना लग रहा है। सो मच सर, थैंक यू सो मच। हमें क्यों थैंक यू बोल रही हैं? सर आपको देखने का मौका मिला, इससे बड़ी बात और कोई हो ही नहीं सकती। कितनी देर से तो आप बैठी हमको सर, नहीं देख रहे थे? थोड़ी देख रहे थे सर, ऐसे थोड़ी देख रहे थे कि आप मेरे को देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ, तो ऐसे देख रहे थे ऐसे नहीं देख रहे। तो मेरे सामने आ गई हॉट सीट पर दिल्ली से रेखा पांडे जी, तो आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं हाउस वाइफ हूँ, होम मेकर, और सर सपने देखने का बड़ा शौक है, जिसमें सबसे पहला था आपसे मिलना, जो इतने सालों से पूरा नहीं हुआ अब पूरा हुआ है। सच्ची है, और सर उससे भी बड़ी बात यह है कि मैं अभिषेक बच्चन की बहुत बड़ी फैन हूँ। एक ही परिवार में बहुत से लोगों के यार, हाँ सर सर आपके यहाँ सारे के सारे हैं ही, वैसे सारे नगीने हीरे। अब हाथ पकड़ करते हैं तो सर, जैसे गाने पुराने गाने आते हैं, तो सर आप उनसे अपने मेमोरीज को कैसे कनेक्ट करते हैं? पुराने गाने उस समय को कनेक्ट करते हैं जिस जमाने में हम थे जी, और उनके साथ हम कहाँ थे, किस जगह पर थे जी, कब सुना था ये गाना, क्या कर रहे थे हम जी, और ये तो हमारा सौभाग्य था कि जितेंद्र जी और उनके परिवार को, और जब ये फिल्म बन रही थी उस समय काफी आना जाना रहता था, अभी भी है आना जाना, तो उस तरह से हमारा संबंध बना हुआ था जी। सर टाइम के साथ पुराने लोग भी आ जाते होंगे जिनके जी, साथ आपने काम किया? जी हाँ, वो सब याद रहते हैं, क्योंकि फिल्म एक ऐसी कला है जो कि कभी मिटाई नहीं जा सकती। बिल्कुल सर, ये बात एक तो छप जाती है तो वो
आजीवन जो है वो बनी हुई रहती है, कभी भी आप चाहे जी, तो बिल्कुल सही कहा आपने जी। थैंक यू। और ये जो गाना था ये जितेंद्र जी पर फरमाया गया था। जय मैम और जितेंद्र सर। जी हाँ जी, इसे किशोर कुमार जी ने गाया था जी। और बोल इसके गुलजार साहब ने लिखे थे, संगीत था आर डी बर्मन का। इसमें बहुत सुंदर गाने थे इस पूरी फिल्म में। भागलपुर के आम और भागलपुर के सिल्क के कपड़े, सिल्क साड़ियाँ और कुर्ते वगैरह जो बनते हैं, आपने वहीं से है सर? नहीं। अच्छा, क्योंकि ये भी बहुत सुंदर है। नहीं सर, ये वहाँ की नहीं है सर, वहाँ वाली बहुत महंगी होती है। महंगी जी? ऐसे मुंह चढ़ा के क्यों बोल रहे हैं? सर ये वैसी वाली नहीं है। नहीं नहीं, उसमें क्या है, यहाँ से धनराशि जीत करके जाइए और साड़ी की दुकान खोल लीजिए, ऐसा भी क्या है? नहीं सर, दुकान नहीं खोलूंगी, पर पहनने के लिए एक दो ले लूंगी। हाँ, दो तीन जोड़ी ले लीजिएगा, अच्छा है। लेकिन अभी आपका खेल खत्म नहीं हुआ है, होटल बज गया है, हो सकता है आपको अवसर मिलेगा और आगे जाने के लिए। बाकी जितने कंटेस्टेंट्स हैं उनसे हम क्षमा प्रार्थी हैं, उनसे समय नहीं मिल पाएगा उनको। ऑलराइट, ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि जीवन में तीन चीजें हमेशा मन को प्रसन्न रखती हैं। क्या हैं वो चीजें? अच्छाई का रास्ता, सच्चाई का वास्ता और पोहे का नाश्ता। तीनों ही अच्छे हैं ये ज्ञाननाथ जी, मैं जाने क्या क्या छेड़ते रहते हैं।